अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेगम किचन। आज हमारे किचन में जो बनने वाला स्नैक है वो सिर्फ 2 मिनट में है, तो देख लीजिए वो मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाऊँगी मसाला कॉर्न, मसाले वाले मक्का के दाने। तो जिस तरीके से ये दिख रहा है, बड़ा टेस्टी सा लग रहा है मसाले सा, ये इजीली जैसे कि मार्केट में मिलता है उसी तरीके से है। तो हमें इसके लिए चाहिए 100 ग्राम कच्चे मक्का के दाने। इसको अच्छे से हम पानी धो लेंगे। तो आपने मार्केट में आई थिंक खाया ही होगा, मसाला कॉर्न बहुत ही थोड़ी कॉस्टली मिलता है और ये सिर्फ मात्र 20 रुपये में हमारे घर में तैयार होने वाला है। तो जल्दी से हम आपके साथ शेयर करते हैं किस तरीके से ये तैयार होता है। तो इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा स्मेल होती है उसे वो निकल जाए और जो इसके जर्म्स होते हैं रखे हुए वो भी धुल जाए। तो पानी से अच्छे से धोने के बाद इसे हम ले लेंगे, एक पतीली में ले लेंगे और दुगना इसमें पानी डालेंगे हम। मक्का जैसे 100 ग्राम है तो 200 ग्राम हम पानी डाल के इसे बॉईल करेंगे अच्छी तरीके से। और ये बिल्कुल 1 मिनट में आपका बॉईल हो जाएगा, क्योंकि कच्चे हैं तो बहुत जल्दी बॉईल होने वाले होते हैं, मुलायम हैं। तो आप 1 मिनट पूरा होने के बाद इसे देखेंगे कि किस तरीके से ये गल गया है। तो ऐसे हाथ से दबा के देखेंगे, अगर दब रहा हो तो आपका दाना गल गया है और अब बस अब आपको ऑल बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पैन में आप सॉटे करेंगे बटर के साथ, 1 चम्मच बटर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से सॉटे करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ एक बार एक लेयर लगानी है। तो ये भी सिर्फ 2-3 सेकेंड में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो हमने एक बाउल में ले लिया है अपना मक्का के दाने सारे बॉयल्ड वाले और इसमें डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और साथ ही डालेंगे हम चाट मसाला और डालेंगे थोड़ी सी खटाई और डालेंगे थोड़ी सी मिर्च, चुटकी भर मिर्च डालेंगे। अगर ये क्योंकि मसाला कौन है तो इसलिए हल्की सी मिर्च डाल देंगे पिसी हुई और नींबू के रस डालेंगे। अच्छे से नींबू का रस डाल देंगे ताकि ये चटपटा सा नज़र आए, खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो आप ज़रूर घर में बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत इजी स्टेप है और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला है। तो लीजिए, मेरा तैयार है मक्का के दाने का कॉर्न कप। तो देखिए, अब मैंने इसे इसमें हरा धनिया थोड़ा सा और डालना बाकी है। तो मेरा प्लेटर तैयार होके इस तरीके से नज़र आएगा, लग रहा है बहुत यम्मी सा। तो आप लोग भी ट्राई करिए खुद और मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और यूट्यूब पे फॉलो।